साथ ही जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, जहां साक्षी थाना क्षेत्र के आम बागान स्थित होटल सुविधा में पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 18 लड़कियों और 16 लड़कों को हिरासत में लिया है। वहीं होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों की माने तो होटल में सेक्स रैकेट चलने की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। हिरासत में लिए सभी लड़के और लड़कियों को साक्षी थाने ले जाया गया है। वहीं पुलिस ने होटल मालिक को भी हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां एक होटल में छापेमारी की गई। इस दौरान कई लड़के और लड़कियां होटल में मौजूद थे। पुलिस ने उन तमाम युवक और युवतियों को थाने ले गई है। कई आपत्तिजनक सामान भी होटल के कमरे से बरामद की गई है और इस होटल के मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और सीधा जुड़ेंगे जमशेदपुर से, सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, खबर की पूरी जानकारी दें। बिल्कुल राजा, देखिए साक्षी थाना क्षेत्र का आम बगान के पास में होटल सुविधा है और होटल सुविधा में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसके आधार पर आज पुलिस एक टीम बनाकर छापामारी की, जहां से 18 लड़की और 16 लड़के को हिरासत में ले गया और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। निश्चित तौर पर जिस होटल में ये छापामारी की गई थी उसके आसपास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सवाल उठता है कि अगल बगल कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे होटल चल रहा है और होटल में इस तरीके का धंधा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता कि आखिर पुलिस कहाँ है। जिस तरीके से आज पूरी कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी मैं बता दूं कि इससे पहले भी उसी लाइन में जहाँ कोचिंग है, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी रेड की गई थी पुलिस के द्वारा और कई लड़की और लड़कों को पकड़े गए थे। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई, जैसे मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर और भी इस तरीके की सूचना मिलती तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो लड़कियाँ उसमें, लड़कियाँ भी थी, कम एज की लड़की भी नजर आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट भी, बैग जिस तरीके से हमने देखा कि बैग ली हुई थी, कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो होटल में रहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं होटल संचालक को गिरफ्तार कर पुलिस साक्षी थाना लेके गई है। निश्चित है उससे कड़ाई से पूछताछ होगी तो बहुत सारे राज और भी सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिस तरीके से साक्षी के पौस इलाके में और होटल और इंस्टीट्यूट के आसपास में ये धंधा चल रहा, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। अब देखिए पुलिस आगे क्या कार्रवाई, जो भी जितने भी लड़कियाँ थी चाहे लड़के थे उसको साक्षी थाना भेजा गया और उससे पूछताछ की गई और होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। और होटल संचालक देखिए आने वाले क्या पूछताछ में क्या सामने बताता है, ये देखने वाली बात होगी। जी राजा, चलिए प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होटल सुविधा में छापेमारी की गई और 18 लड़कियों और 16 लड़कों को यहां से हिरासत में लेकर साक्षी थाना पुलिस अपने साथ थाना ले गई है। एक सुविधा होटल है जहाँ पे सिटी एसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ प्रोस्टिट्यूशन या वैसा कुछ इलीगल काम चल रहा है, तो एक टीम गठित की गई और फिर हम लोग आज शाम के समय में यहाँ पे रेड पर आए और फिर हम लोगों ने देखा। अभी ये छानबीन चल रही है, अभी जांच की जाएगी कौन यहाँ पे था, किसके ओनरशिप में ये चलाया जा रहा था और फिर क्या एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी, उसका एक डिटेल अभी जांच रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।